العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. बसमर फ़राइज गसल से मुतिक जदीद मसाइल का बयान है अज़ीज़ तलब इकराम वफ़र्गसल अलमज मज़तु में कुल करना फ़र्ज है गसल वाजिब यानि व निफास या जनाबत के गुस्ल में फ़र्ज की तादाद तीन है नंबर एक कुल्ली करना नंबर दो नाक में पानी पहुँचाना नंबर तीन सारे बदन को एक बार धोना इन फ़राइज सलासा में से पहला फ़र्ज़ मज़ है यानी कुल्ली कुल्ली करना कुल्ली में मुंह के अंदर इस तौर पर पानी पहुंचाना के अंदर के जबड़ों दांतों वग़ैरह तक पानी पहुंच जाए इसी पर नए मसले की जदीद मसले की तफरी इस तरह की जा सकती है कि दाढ़ में मसाला भरे हुए होने की सूरत में गसल का हुक्म क्या होगा अगर दाढ़ में चांदी या सोने का मसाला इस तरह भर दिया जाए कि आसानी से उसको निकालना और फिर लगाना मुमकिन नहीं है तो वो जिस्म के जुज़वे मुतसिल हुक्म में होगा और उसको निकाले बग़ैर गसल जाइज़ हो जाएगा जहन में ये बात रखिए असल शय के साथ अगर किसी शय को मुत बतसाला करार के तौर पर जोड़ दिया जाए असल शे के साथ अगर किसी शय को मतसल बतसाल करार के साथ जोड़ दिया जाए तो वो जोड़ी जाने वाली शेय असल शय शे का दर्जा पा लेती है इस ओसूल से मालूम हुआ कि जब सोने चांदी के मसाले को दाड़ में इस तरह भर दिया गया कि वो दांतों के साथ मुतसिल बतसाल करार का दर्जा इख्तियार कर गया तो अब इसका हुक्म दांतों का ही हो गया यानी इसके ऊपर से पानी का गुज़र जाना गसल के लिए काफ़ी हो जाएगा कुल्ली के बजाय पानी पी जाने का हुक्म अगर किसी शख्स ने गुसल में कुल्ली तो नहीं की अलबत्त पानी मुँह में लेकर पी गया तो देखा जाएगा कि उसने पानी पीने से पहले उसे मुँह में घुमाया है या नहीं अगर घुमाया है तो यह कुल्ली के काय मकाम हो जाएगा और अगर इस तरह पानी पिया कि वो पानी मुंह के सब किनारों तक नहीं पहुँचा बल्कि सिर्फ ज़ुबान से लग कर हलक में चला गया तो ये कुल्ली के काय मकाम नहीं होगा और गसल दुरुस्त नहीं होगा। होंगा के फ़राइज में से एक फ़र्ज़ कुल्ली करना है और मजमजा की तारीफ़ ये है कि मुँह के तमाम हिस्सों तक पानी पहुँच जाए अब अगर कोई शख़्स कुल्ली के बजाय पानी पीता है तो इसकी दो सूरतें होगी या तो पानी पीते वक्त तो मुँह के तमाम हिस्सों तक पानी पहुँच जाएगा तो इस सूरत में गसल सही हो जाएगा क्योंकि मजमज़ा का तहुक हो गया और अगर मुंह के सारे हिस्सों तक पानी नहीं पहुंचता है तो मजमज़ा के अदम तहक़ुक़ की वजह से गसल सही नहीं होगा क्योंकि मजमज़ा गसल में फ़र्ज है तीसरा मसला मसनू डुप्लिकेट दांतों का हुक्म ग में अज़ल कराम मनु दाँत दो तरह के होते हैं एक तो वो जो फ़िक्स होते हैं जोड़ दिए जाते हैं दूसरे वो जो फोल्ड होते हैं लगाए और निकाले जाते हैं जो दांत फिक्स होते हैं उनका हुक्म असली दांतों की तरह होगा और जो फोल्ड होते हैं निकाले और लगाए जाते हैं उनका गसल में निकालना ज़रूरी होगा उनका गसल में निकालना ज़रूरी होगा अज़ीज़ तलबा कराम जिसम का हर वो हिस्सा जिस पर पानी का पहुँचाना बिला मशक्क़त मुमकिन है उसका धोना फ़र्ज़ है और जहाँ पानी पहुँचाना बाई से मशक्क़त व हरज है वहाँ पानी पहुँचाना फ़र्ज़ नहीं है इससे मालूम हुआ कि फ़िक्स दाँतों का निकालना और उसके नीचे पानी का पहुँचाना बाई से मशक्क़त है और इसमें में हरज भी है इसलिए इनके ऊपर से ही पानी का बहाना काफ़ी होगा और फोल्ड दाँतों का निकालना और उसके नीचे पानी पहुँचाना ना ही बाई से मशक्कत है और ना ही इसमें कोई हरज है लिहाजा उनको निकालना गसल में ज़रूरी होगा नीज़ फिक्स दांत असल दांत का दर्जा रखते हैं इसलिए गसल में पानी दांतों के ऊपर से बहाना काफ़ी होगा उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है लेकिन दाँत की दूसरी किस्म फोल्ड निकाले और डाले जाते जो दाँत है उसकी हैसियत एक जायद शय की होगी इसलिए गसल वाजिब में उनको निकाल कर दाढ़ तक पानी पहुँचाना वाजिब होगा चौथा मसला क्या दांतों का कैप सेहत गसल के लिए माने हैं बसा अवत दांत ख़राब हो जाते हैं तो दांतों के ऊपर कैप लगाया जाता है और वो हमेशा के लिए जाम हो जाता है लग जाता है आसानी से नहीं निकलता इसका हुक्म गसल में यह है कि महज़ उसके ऊपर से पानी बहाना ही काफ़ी है और ऊपर से पानी बहाने की सूरत में गसल दुरुस्त हो जाएगा असल शय के साथ अगर किसी शय को मतसल बतसाल करार के तौर पर जोड़ दिया जाए तो वो जोड़ी जाने वाली शय को असल शय का दर्जा हासिल हो जाता है इस उसूल की रोशनी में बात साफ़ हो गई कि जब दांतों के ऊपर कैप को इस तरह लगा दिया गया कि उसको आसानी के साथ निकालना मुमकिन नहीं रहा तो इस कैप को असल शय दाँत का हुक्म हासिल हो गया यानी इस कैप पर पानी का बहाना ऐसा ही है जैसे दांतों पर पानी बहाया गया है वसलबदन गसल के फ़राइज में से सारे बदन का धोना है इस इबारत में गसल का एक फर्ज बयान किया गया है कि सारे बदन पर पानी बहाना जरूरी है अगर एक बाल के बराबर भी खुश रह गया तो गसल सहेह नहीं होगा इस पर जदीद मसले की तफरी टंग ईयर रिंग का हुक्म गसल में अज़ीज़ तलबा ईयर रिंग यानी कान की बाली अगर इतनी ज़्यादा तंग हो कि सुराख में पानी दाखिल न हो सकता हो तो इसको हरकत देना और पानी का पहुँचाना ज़रूरी होगा और अगर कान का सुराख कुशादा हो तो ना हरकत देने की ज़रूरत है और ना ही बाली को निकालने की ज़रूरत है क्योंकि कुशादगी की वजह से पानी का कानों के सुराख में क्योंकि कुशादगी की वजह से पानी कानों के सुराख में पहुँच जाता है अजीत तलबा कराम गसल के सिलसिले में ये जबता याद रखना चाहिए कि जिसम का हर वो हिस्सा जिस पर बिला मशक्क़त पानी पहुँचाना मुमकिन है उसका धोना फ़र्ज है और बदन का वह हिस्सा जहाँ पानी का पहुँचाना दुशवार और बाई से हरज है वहाँ पानी का पहुँचाना और उस हिस्से को धोना फ़र्ज़ नहीं है इस जबे की रोशनी में मालूम हो गया कि कानों का सुराख अगर तंग है तो वहाँ पानी को हरकत देकर या बाली को निकाल कर पानी का पहुँचाना मुमकिन है इसलिए वहाँ यानी कान के सुराख में पानी पहुँचाना फ़र्ज़ होगा और अगर सुराख कुशादा है तो बाली को हरकत देना वाजिब नहीं होगा क्योंकि कुशादगी की वजह से पानी बगैर हरकत दिए हुए ही सुराख में पहुँच जाएगा दूसरा मसला गसले जनाबत में साबुन का इस्तेमाल गसले वाजिब में सारे बदन पर एक मरतबा पानी का बहाना फ़र्ज है साबुन वगैरह का इस्तेमाल करना फ़र्ज नहीं है अलबतः साबुन वगैरह का इस्तेमाल न सिर्फ़ जायज़ है बल्कि मुस्तहसन है ताकि अच्छी तरह नजाफ़त हासिल हो जाए बाब गुस्ल में गस्ल की फर्जीयत महज बदन के सारे हिस्से तक एक मरतबा पानी का पहुँचाना है बब गसल में गस्ल की फर्जियत महज बदन के सारे हिस्से तक एक मरतबा पानी का पहुँचाना है अलबत् मजीद नजाफत तहारत के गर्ज से बदन का मलना या साबुन वगैरह का इस्तेमाल करना अमरे मस्तहसन है क्योंकि जो शे मकसूद शय में मुआविन की हैसियत रखती हो वो शय के ख़िलाफ़ नहीं होती बल्कि मुस्तसन हुआ करती है जो शय मकसूद शे में मुआविन की हैसियत रखती हो वह शय के ख़िलाफ़ नहीं होती बल्कि मुस्तहसन हुआ करती है इसकी नज़ीर वह मसले फ़किया है जिसमें मुर्दे को ऐसे पानी से गसल देना अफजल है जिसको बेरी के पत्ते या अशनान के पत्ते से जोश दिया गया हो मालूम हुआ कि असल शय खालिस पानी असल शय खालिश पानी खुद तो तहूर है लेकिन फिर भी मज़ीद तहारत नज़ाफ़त के गर्ज़ के पेश नज़र पानी में बेरी या अशनान के पत्ते को डालकर जोश दिए हुए पानी से गसल को अफजल करार दिया गया है वसुन्नतलीसलो यदई ही व फ़र्जहु व युज़ी नजासदन ही ल का मसनू तरीक़ा यह है कि गसल वाला अपने हाथ और शर्मगाह को धोए और नजासत दूर करे अगर उसके बदन पर नजासत हो। होसल का मसनू तरीक़ा बयान कर रहे हैं कि पहले दोनों हाथ धो ले क्योंकि वह अल तथीर रहे फिर शर्मगाह को अच्छी तरह धोए क्योंकि शर्मगाह आम मतन जनाबत हैज़ वगैरह की सूरत में नजासत से ख़ाली नहीं होती अगर बदन पर किसी किस्म की कोई नजासत हो तो उसको भी दूर करे ताकि वह पानी की वजह से और ना फैले अज़ीज़ तलब एक जदीद मसला तवज्जु से समात फरमाइए रहम में कॉपर टी रखने की हालत में गसल हैज़ का हुक्म रहम में कॉपर टी रखने की हालत में गसल हैज़ हुक्म। बसा औकात किसी औरत को कमज़ोरी या किसी और ़्र के पेश नज़र डॉक्टर नी रहम के मुंह पर एक कॉपर टी रखती है जो कि टी की शक्ल में होती है रहम के मुँह पर एक कॉपर टी रखती है जो कि टी की शक्ल में होती है इसमें रेशम का तार लगा हुआ होता है जो कि शर्मगाह से बाहर लटका रहता है इसके रखने से हमल करार नहीं पाता लेकिन हैज़ हर माह बराबर जारी रहता है तो इस सूरत में गसल हैज़ के सही होने के लिए ज़रूरी है कि कॉपर टी के तार का वह हिस्सा जो शर्मगाह के ज़ाहरी हिस्से पर लटका हुआ है उसको धो लिया जाए जब उसको खूब साफ कर लेगी तो औरत को गसल हासिल हो जाएगा इसके बगैर पाक नहीं होंगी फकह के अलाह में गसल से मुराद बदन का धोना है और इसका रुकन बदन के उन तमाम हिस्सों पर एक मरतबा पानी का पहुँचाना है जहाँ बग़ैर किसी हरज के पानी का पहुँचाना मुमकिन हो और फर्ज खारिज बदन के उन हिस्सों में से है और फर्ज खारिज बदन के उन हिस्सों में से है जहाँ पानी का पहुँचाना बग़ैर किसी हरज के मुमकिन है और फर्ज खारिज बदन के उन हिस्सों में से है जहाँ पानी का पहुँचाना बगैर किसी हरज के मुमकिन है इसलिए अगर कॉपर टी का कोई जुज फर्ज खारिज में हो तो गुस्सल हैज़ में उस पर लगे हुए खून को धोना ज़रूरी होगा फर्ज खारिज बदन के उन हिस्सों में से है जहाँ पानी का पहुँचाना बग़ैर किसी हरज के मुमकिन है इसलिए अगर कॉपर टी का कोई जुज फर्ज खारिज में हो तो गुसल हैज़ में उस पर लगे हुए खून को धोना ज़रूरी होगा उसमी ना महमद وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله